देखिए आप लोग हर चीज़ को हर चीज़ से कनेक्ट मत कीजिए, पूरे हिंदुस्तान का मसला है ये, पूरे हिंदुस्तान में लखीमपुर खीरी हर चैनल में दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से एक किसानों को कुचला गया है। ये कोई धरना पर बैठा है, कोई नौकरी की मांग कर रहा है, ये ठीक है उनको दी जाएगी, उनको भी सुना जाएगा, लेकिन इस तरह से आप एक मंत्री का, गृह राज्य मंत्री का बेटा और जीप से किसानों को कुचल दे और उस पर हम धरना करें और उस पर ये सवाल हो, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि हम लोगों ने मौन व्रत रख करके महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हुए एक केंद्र सरकार को संदेश देने का काम किया है कि आप जो है आरोपी के पिता अजय मिश्रा जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त कीजिए, तभी जो है सही तरीके से जो कार्रवाई है वो हो पाएगी और जो आरोपी हैं वो अभी भी पूरे पकड़े नहीं गए हैं, मंत्री के बेटे के साथ और कई लोग थे, उन सब की गिरफ्तारी हो सकेगी, उन सबको फांसी की सजा तक हो सकेगी, हम उसका प्रबंध कर रहे हैं और हम लोग, ये सही है कि उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है, वो नाथूराम गौडसे के वंशज हैं, राजनीतिक वंशज हैं, हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सभी को जेल के सलाखों के पीछे जाना ही सुना जाएगा। लेकिन इस तरह से आप एक मंत्री का, गृह राज्य मंत्री का बेटा और जीप से किसानों को कुचल दे और उस पर हम धरना करें और उस पर ये सवाल हो, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि हम लोगों ने मौन व्रत रख करके महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए एक केंद्र सरकार को संदेश देने का काम किया है कि आप जो है आरोपी के पिता अजय मिश्रा जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त कीजिए, तभी जो है सही तरीके से जो कार्रवाई है वो हो पाएगी और जो आरोपी हैं वो अभी भी पूरे पकड़े नहीं गए हैं, मंत्री के बेटे के साथ और कई लोग थे, उन सब की गिरफ्तारी हो सकेगी, उन सबको फांसी की सजा तक हो सकेगी, हम उसका प्रबंध कर रहे हैं और हम लोग, ये सही है कि उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है, वो नाथूराम गौडसे के वंशज हैं, राजनीतिक वंशज हैं, हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सभी को जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। अजय जी, ये पहले से मालूम होगा कि इतना बड़ा बड़े पोस्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और 27 केस हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो लखीमपुर के कई थानों में दर्ज हैं, तो ऐसे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वगैरह क्या कह रही है, मतलब ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? देखिए जब मैंने पहले ही कहा कि जो नाथूराम गौडसे का वंशज होगा, जो महात्मा गांधी के हत्यारे का राष्ट्रीय जो राजनीतिक वंशज होगा, तो उसको यही देख के बनाया ही जाएगा और वही देख के बनाया गया है कि कौन कितना काबिल है, कौन कितने हत्या में आ रहा है। आप जानते हैं कि कौन तड़ी पार था, किस तरह से पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा करके पूरे सिस्टम को बंधुआ मजदूर बना करके और कहीं ना कहीं केस ख़त्म कराने का काम किया गया। आप गृह मंत्री के बारे में भी जानते हैं, गृह राज्य मंत्री, थोड़े गृह राज्य मंत्री कमजोर पड़े होंगे, उनका भी सब सफाया हो रहा होगा। आप देखिएगा अगर एक दो साल और जो सरकार रहना है तो गृह राज्य मंत्री जी को भी क्लीन चिट मिल जाएगा जैसे गृह मंत्री जी को मिल गया। तो हमें लगता है कि हम लोग इस तरह से, जब तक लोग आप जागरूक रहेंगे और मीडिया का काम जो मीडिया कर रही है आज के दिन में लखीमपुर खीरी को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसका एक दबाव बना है, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, उसका दबाव बना है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो कूच किया और जो झारखंड के कांग्रेस जन जब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झुकना पड़ा और प्रियंका गांधी जी को हिरासत से छोड़ना पड़ा, राहुल गांधी जी को लखीमपुर खीरी तक ले जाकर के मिलवाना पड़ा। धन्यवाद।